परफॉर्मेंस रणबीर का बेस्ट रहा एंड एवरीबॉडी डिड वेल एंड इट लुक्स लाइक समवेयर इंस्पायर्ड बाय अपना स्कारफेस जैसा थोड़ा लगता है बट इट्स वेरी गुड फिल्म. 3.5. कैसे लगे आपको? आई डोंट वांट टू से. क्या ओवरऑल 5 स्टार में से कितना देंगे? तो 3. ही ट्राइड बट इक्वल इमोट उनमें वो इमोशंस नहीं है जो एक्टर होने चाहिए. दैट्स माय व्यू एज अ सेड. हां जी, रेटिंग कैसे? रेटिंग आई वुड गिव 2.5 out of 5. थैंक यू. वो है 3-4 डायरेक्टर होने के बाद भी इतनी सड़ी फिल्म बनाई पुराने जमाने की और इतनी खराब फिल्म आज तक हमने देखी नहीं. और इसके बदले में जो पीकू अभी दौड़ेगी कल से और इतनी करोड़ों रुपया लगाने के बाद 100 करोड़ रुपया की बाट लगा दी इन्हें. और पूरे रणबीर कपूर की एक्टिंग ऐसी दिख रहा है. हाँ, रणबीर कपूर ने कमाल कर दिया. वो पहली बार मतलब शेर बन के आया और अनुष्का ने भी जबरदस्त काम किया. करण जौहर का पहला करण. हाँ, अरे वो कोई डायरेक्शन करें उसमें ज्यादा फायदा है. कहाँ से विलन बनने की सोच रहे हैं, जबरदस्ती बॉस बनने की सोची, लेकिन सेक्रीफाइस दोनों ने किया. पुराना जमाना दिखा है, वो कैसा लगा? पुराना जमाना नहीं चलता भाई. सड़ी गली पुरानी स्टोरी है, आज के युग में नहीं चलती भाई. नए जनरेशन को नया ढंग चाहिए. कुछ खास नहीं था मतलब मूवी में? अरे खास नहीं, मैं तो सोच रहा था खत्म कब हो. हमारे जो 2.5 घंटे की फिल्म 2.5 घंटा खराब किया. कितने सा देंगे 5 में से? 2 दे दें इनने, 100 करोड़ लगाए इसलिए. okay, और बाकी इनको एक भी देखने लायक एक बार भी नहीं है. ऐसी फिल्म है कि आप अगर आपको अपना टाइम खराब करना हो, पैसा खराब करना हो, तभी इसमें आए. और बाकी ओके थैंक यू. इट्स नॉट मेंट फॉर दिस वर्ल्ड. यू सी हिम इन एनी दिस शोज एंड ऑल द रियलिटी शोज. आई थिंक ही इज बेटर ओवर देयर. हिज परफॉर्मेंस लुक लाइक द बेस्ट परफॉर्मेंस. नथिंग, देयर इज नथिंग टू लाइक इन द पिक्चर. लुक, एवरीथिंग यू नो इज फेक. आप कैसे बोलोगे कि पिक्चर पसंद कैसे आएगा? हाँ जी, कहाँ सॉन्ग्स हैव गॉट नो मीनिंग ना. यू डोंट नो व्हाट हु सिंगिंग फॉर व्हाट. मोहब्बत बुरी बीमारी, सम टाइम दे आर सिंगिंग, सम टाइम दे सिंग जाज. इज हैज जाज कम इन दिस कंट्री एनी टाइम? हैव यू हर्ड सॉन्ग्स ऑफ दिस टाइप्स इन द सिंग? गीता दत्त ने ये गाने गाए थे क्या? गीता दत्त के गाने तो हिंदुस्तान में आज भी हम सुनते हैं ना. उसने ये गाने गाए थे. तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल द पीपल? फूल द पीपल? Nobody knows what India was in the 60s. So Karan Johar is that Mr. Anurag Kashyap is going to tell everybody what is it the 60s was all about. It's not. They're just fooling the people, fooling the stars first because they act in these pictures, get carried away by these directors, and then the film totally. Yeah. Sorry. No, ma'am. No stars. This picture doesn't deserve any stars. It's a. Now what to say? It's not. Not that I expected much in the picture because I was very sure that this is going to happen in this picture. Just by recreating Marine Drive, you are not going to make a good picture. So Karan Johar's selection for villain is good in this picture. आपको ले लेते हैं. कुछ it's not a big thing. Karan Johar है, he's a good filmmaker. यार अच्छी picture बनाता है. Not that he is bad in the picture. He's not bad. But then he's okay. There's nothing to talk about. No? Nothing. What? मगर फायदा क्या? जाज पहले मुझे बताइए ना. जाज किसको क्या मालूम है? जाज मुझे तो नहीं मालूम. आपको मालूम हो तो आप मुझे बताइए. मैंने गीता दत्त के गाने सुने. मैंने ऐसे गाने नहीं सुने. बिग फैन ऑफ गीता दत्त इवन टुडे. सी द सॉन्ग्स ऑफ गुरु दत्त, सीआईडी एंड ऑल दोस पिक्चर्स, दे आर आउटस्टैंडिंग. इवन दीस पीपल आर बोरिंग दोस सॉन्ग्स. दे कांट मेक अ न्यू सॉन्ग. आज मोहब्बत मेरे दिल में 50 है, व्हाट इज दैट? दे कांट इवन मेक अ न्यू ट्यून. दे वांट टू मेक दोस ओल्ड ट्यून्स, पिक इट अप एंड मेक. नाउ व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? जाज, यू आर मेकिंग मोला रूश और समथिंग. आई विश देयर वाज, और मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड. मैं आपको मेरा एड्रेस देता हूँ, आप देख लीजिए. अगर हो जाए तो मुझे फोन करके बता. समथिंग को ही इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव फिल्म मेकिंग एंड plot is really slow paced because they have depicted 50s era. So
but then it's for niche audience. Everybody might not understand the plot and, you know, try to know that the... I think there is nothing bad about it. All in all the aspects, be it music, story, acting, Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, and Karan Johar, whom we have always seen him behind the camera. He's played the role of a Parsi guy who is high with high-end attitude and flamboyance. So I think बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना रोल किया. सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सूदिंग हैं. तो वो मतलब ओवरऑल आई थिंक मूवी इट्स अ बिग थम्स अप इन यू नो बीट एक्टिंग beat music, beat direction, in all the aspects. To depict that era is not easy, and the credit goes to Anurag Kashyap for depicting that era with so much conviction. And of course, Anushka Sharma, Ranbir Kapoor, and Karan Johar, you know, who is, you know, such a big talent. No, nobody knew that he could play a negative role so wonderfully. So overall, it's a must-watch movie, but like again said, it's for niche audience. Not for everyone, for class audience. I don't know if it's a mass entertainer, but still, I would hats off to Anurag Kashyap for again trying something new. Music by Amit Trivedi is very good. Again, you know, all the songs are situational and बहुत ही अच्छे से, you know, lyrics भी बहुत अच्छे हैं music से, बहुत ही meaningful lyrics हैं. So I think, like I said, in all the aspects, it's a must watch. All the songs are nice. मैं हर गाना एक बयान कहानी बयान करता है. 4 stars.